गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। मेरा नाम हुआ शशांक। आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का साइंस का, चलेगा आपका फोर्स एंड प्रेशर का, ठीक है। और ये है पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पार्ट नंबर 1 में जो था फोर्स कैसे होता है, ठीक है, पुश एंड पुल के बारे में डिफाइन किया गया है, वहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब देखिएगा जो सेकंड टॉपिक आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स कैसे होगा? इंटरैक्शन से होगा, ठीक है। फोर्स कैसे होगा? इंटरैक्शन से होगा, मतलब किसी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट में आएगा तभी आपका वहां पर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, When two or more object must interact for force to come into play। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हुआ और हम हुए, इसमें अगर हम टच करेंगे तभी तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फोर्स अप्लाई नहीं होगा। चाहे वो अगर हम अकेले कर रहे हैं तो ये एक एक फोर्स हुआ, और भी मान लीजिए कुछ लोग होंगे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल फोर्स हुआ। तो फोर्स कैसे होगा? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होगा तब वहां पर फोर्स बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिएगा, देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द मैन एंड हिज ट्रॉली। एक आदमी है और एक ट्रॉली है, ठीक है। द मैन इज अप्लाइंग अ पुश ऑन हिज ट्रॉली टू मेक इट मूव फॉरवर्ड। जैसे मान लीजिए ट्रॉली रखा हुआ है, ठीक है, ट्रॉली पे अगर हम कोई तरह का फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या उसमें कोई तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा। जब उस पर हम क्या किए, पुश किए, उसको धक्का दिए, तो वो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में वो मूव कर गया, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि हाँ यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर हम उस पर बिना कॉन्टैक्ट के उस पर हम फोर्स नहीं लगा सकते, उसको अगर मूव करना है तो उस पर हम कॉन्टैक्ट करेंगे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, इस पर हम फोर्स नहीं लगाएं, ऐसे करके फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये मोशन में है क्या? नहीं, मोशन में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ चला गया, तो इस पर क्या हुआ, हम पुश किए तो ये आगे की ओर मूव किया, और पुश क्या किए थे, डायरेक्शन मेरा ये वाला था, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे ही था, फोर्स ऑफ डायरेक्शन ये था, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हुआ, आगे की ओर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फोर्स जब लगाते हैं तो वहाँ पर से आपको मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब फोर्स में दोनों चीज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोर्स जो है वो कैसे अप्लाई होता है, बिना टच किए हुए किसी चीज पर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला पुश का था, अब हम लोग पुल का देखते हैं। देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन क्रेन एंड ऑब्जेक्ट। कोई क्रेन है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, उसको उठाकर कहीं ले जाना है, तो क्या बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए क्या उसको वो पिक कर लेगा? नहीं पिक कर पाएगा। उसको अगर कहीं से मान लीजिए स्पेस 1 से स्पेस 2 पे ले जाना है तो वो क्या करेगा, उसको पहले उसको पकड़ेगा, देन उसके बाद उसको कहीं पर जाके रख देगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर्स कब अप्लाई होगा, जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन क्रेन एंड ऑब्जेक्ट। द क्रेन इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू पुल इट अप। अब मान लीजिए इसको उठाकर कहीं रखना है, उठाएगा ना पहले, तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे करके उठाया फिर जाके रखेगा, तो इसके बीच में क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ। तो यही हम लोग को पढ़ना था, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होगा या कॉन्टैक्ट होगा तब वहां पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका था सेकेंड टॉपिक था, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकंड टॉपिक है, और हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक आपका हो जाएगा एक्सप्लोरिंग फोर्स।
कि फोर्स के बारे में जानना है एक्चुअली फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट लिखा हुआ है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑलरेडी इसके बारे में आपको पहले हम बोल चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और ये क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, इस पर अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आपका फोर्स F1 हो गया, फोर्स F2 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे दो पर्सन है और ये काफी हेवी ऑब्जेक्ट है, इसको पुश करने के लिए एक आदमी सफिशियंट नहीं है, तो दो तरह का फोर्स लगाएं तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा? नहीं, जब हम ऐसे फोर्स लगाए हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या वो ऐसे चल जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। और फोर्स का डायरेक्शन भी क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी है। इसमें हमको डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, और इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज़ में मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। उसके बाद का पॉइंट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ वन एंड एफ टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, ये थ्योरी का ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और सेम डायरेक्शन में हम फोर्स F1 एंड F2 लगाएंगे, ठीक है, फोर्स कहाँ लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट का हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, राइट का हो गया। फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं हम, लेफ्ट से लगाएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, राइट की ओर मूव करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कहाँ है, F1 एंड F2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, लेफ्ट टू राइट। हम फोर्स कैसे लगाए हैं, लेफ्ट से राइट लगाए हैं, ठीक है, तो इसका मूवमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। इसका अगर मूवमेंट का अगर पूछे आपसे कि ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हम जो फोर्स लगाए हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए सफिशियंट है उसको मूव करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 इज लेफ्ट टू राइट। इसका एग्जांपल आपका ये वाला है, ठीक है, यहां पर देखिएगा बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, F1 एंड F2, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 इज लेफ्ट। ये आपका F1 कहां पे है, लेफ्ट तरफ है, और F2 कहां पे है, राइट तरफ है। ठीक है, तो यहां पर देख लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है, F1 है लेफ्ट में, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 क्या है, राइट में। तो यहां पे हम देख लिए कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स के। लेफ्ट टू राइट लगाए हैं, दोनों फोर्स आपका लेफ्ट से लग रहा है और इसको मूव करेगा राइट की ओर। अब यहां पर देखिएगा जो सेकंड केस है, तो वहां पर F1 एंड F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। F1 कहां चाह रहा है डिस्प्लेस करने के लिए, आपका राइट की ओर, और F2 चाह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट की ओर डिस्प्लेस करें। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट देखिएगा, मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा अगर फोर्स होगा, तो अगर एक ही डायरेक्शन में उसको हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो नेट फोर्स होगा दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन देन ऑल फोर्सेज इज एडेड। जैसे यहां पर हम दो फोर्स लिए हैं, ठीक है, F1 एंड F2, आप F3 भी ले सकते हैं, F4 भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर सेम डायरेक्शन में आपका जितना फोर्स होगा वहां से पूछेगा बताइए यहां पे नेट फोर्स कितना हुआ, तो क्या करेंगे, सारा फोर्स को ऐड कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है वहां से पूछ देगा कि नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स बोलने का मतलब हो गया टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर जो आपका F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। उसके बाद का आप देखिएगा, थ्योरी देखिएगा,
इफ द फोर्सेज आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर देखिए ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर आपका फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, देन द नेट फोर्स बोलिए या टोटल फोर्स बोलिए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेज एंड द ऑब्जेक्ट टेंस टू मूव। अब देखिएगा, सपोज कीजिए कि यहां पर आपका जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, ठीक है, अब ये फोर्स लगाएं, अब जिसमें से जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज कर लीजिए यहां पर F1 जो है और यहां पर F2 है, ठीक है, यहां पे F1 है, यहां क्या है F2। अगर F1 का फोर्स ज्यादा होगा तो ये F2 की ओर मूव कर देगा, ठीक है, इसको मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अगर F2 ज्यादा होगा तो इसको राइट टू लेफ्ट मूव कर देगा। तो यहां पर अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब आपका जो फोर्स ज्यादा होगा वो अपने डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा। जैसे F1 अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अगर F2 आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। थर्ड केस बनता है कि अगर F1 और एंड F2 बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो सेम प्लेस पे रहेगा। यहां पर F1 और F2 इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहां पे तीन केस बन रहा है कि अगर F1 मजबूत होगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, F2 मजबूत होगा तो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, अगर दोनों फोर्स इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट के पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो पहले आप पूरा थ्योरी को लिखिए और इस केस के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक थ्योरी और दे देंगे, उसको देखकर आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा थ्योरी को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके और उसके बाद हम आपको कुछ और इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे अब आगे देखिएगा, उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है, उसके बारे में आप इसको लिख भी लीजिए और समझ भी लीजिएगा अच्छे से। तो जो भी हम आपको यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हम बताए थे कि आपका फोर्स जिधर ज़्यादा होगा उधर की ओर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ F1, ये F1 है, ये F2 है, F1 is greater than F2, ठीक है, F1 क्या है, F2 से बड़ा है, the net force on the object is, तो यहाँ पे net force क्या होगा, जो बड़ा value होगा उसमें छोटा को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका F1 क्या है, F2 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा F1 जो है F2 से बड़ा है तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अब यहाँ पे कीजिएगा तो F2, F1 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स कहाँ दिखाएगा, लेफ्ट टू राइट, द ऑब्जेक्ट इज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F1, F1 कैसे लगा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्जेक्ट आपका कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। सेकंड जो है, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, अब आपका F2 है वो F1 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1, ठीक है, नेट फोर्स मतलब हो गया टोटल फोर्स, किस तरह फोर्स आपका अप्लाई होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर F2 बड़ा है F1 से, इसमें माइनस कीजिएगा तो आपका F2 का कुछ वैल्यू निकलेगा, जो कि आपको, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर से 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये F1 हो गया और ये आपका F2 है, हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये 75 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है F2, ये आपका F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेट फोर्स के बारे में बात की जाए तो F2 माइनस F1, 75 माइनस 50, 25 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा है, तो वो ये F2 क्या करेगा, इसको राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर देगा। सपोज कीजिए कि अगर आपका F1, हम इसको जस्ट उल्टा कर दें,
ठीक है, पहला वाला केस के लिए F1 आपका है 75 और F2 है 50, तो यहाँ पर हम लोग का F1 ज़्यादा है क्योंकि 75 है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका F1 माइनस F2 डेट इज 75 माइनस 50 25 न्यूटन, तो ये आपका जो 25 न्यूटन फोर्स जो है वो F1 के पास ज़्यादा है जिसको F2 की ओर मूव करेगा डैट इज लेफ्ट टू राइट। अगर सेकंड केस करेंगे कि F2 को मान लेते हैं कि 75 है और F1 को मान लेते हैं कि ये 50 है और ये आपका क्या है 75, तो यहाँ पर F2 ज़्यादा बड़ा फोर्स है तो ये क्या करेगा इसमें माइनस कीजिएगा, 25 न्यूटन कहाँ दिखा रहा है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो आपका F2 पे, तो इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। थर्ड केस आपका आता है, थर्ड केस बोल रहा है कि जहां पर आपका F1 और F2 बोथ्स आर इक्वल, इफ F1 एंड F2 इज इक्वल द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज F1 माइनस F2। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 50 न्यूटन का है और ये भी 50 न्यूटन का है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा जब दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 50 माइनस 50 डेट इज 0 न्यूटन। यहाँ पर कोई तरह का फोर्स किसी के तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा है, उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, जब किसी के पास एक्स्ट्रा फोर्स ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाएगा, डेट इज इन रेस्ट, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो आज का आपका दो टॉपिक हो गया, ठीक है, तो दो टॉपिक को आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं। और दूसरा मीडियम आपको मिल रहा है कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां पे कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कॉन्सेप्टेबल लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी के पास पहुंच जाए, क्योंकि अभी का जो केस चल रहा है वो लॉकडाउन का केस जो है अभी ये 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये आपका लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था मार्च में स्टार्ट हुआ था, इस केस में आपका पढ़ाई पीछे हो जाएगा, तो पढ़ाई को सही पोजिशन पर रखने के लिए, सब ट्रैक पे रखने के लिए आपको पढ़ाई तो करना ही होगा, तो अपने दोस्त को भी मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए ताकि वो क्या हो कि सिलेबस में पीछे ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।